आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में अशोकानंद सर आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे वर्ल्ड विनिंग की। एक लंबे अंतराल के बाद वर्ल्ड विनिंग का ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वैसे स्टूडेंट जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कलर एसएससी पीओ या फिर नेट सॉफ्ट की तैयारी करते हैं या फिर अन्य कोई क्लैट हो जैसे कम एयरफोर्स नेवी एनडीएस सीडीएस की तैयारी करते हैं, उनको ये वर्ल्ड विनिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में या एडिटोरियल में इंटरेस्टेड होते हैं, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझना चाहते हैं तो उनके लिए पनेश के अर्थात रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग अशोकानंद सर के सानिध्य में विषय के अंतर्गत बनने वाले वीडियो से उच्च क्लासिकल वर्ड मीनिंग से परिचित होते हैं, वीडियो बिगिन करते हैं। पर उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से आधारित है एससी हार्दिक के द्वारा लिखे गए बुक वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि विलर पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, के ऊपर वर्ड्स का कलेक्शन वहीं से लिया गया है। पर एक्सप्लेनेशन आपके अशोकानंद सर के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टेशियर लैक्जिकल किंगडम पार्ट का नाम है कंपोज एंड एक्सप्लेन बाय एलन जी फैसिलिटेटर एंड फाउंडर और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि किसी भी भाषा को अगर सरल शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जाए तो उसकी भावनाओं से नहीं जोड़ा जाए तब तक वो भाषा किसी के चारित्रिक जीवन का उत्थान करने में समर्थवान नहीं होती है। अपना सा नहीं लगेगा तो नहीं होती है। तो बच्चे यहाँ आते हैं या अशोकानंद सर की वीडियो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एंटरटेन कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो सीख रहे हैं। तो इसलिए फैसिलिटेटर सरलकर्ता और फाउंडर प्रवर्तक कई ऐसी चीजें हैं जो आप फील करेंगे अरे ये कैसे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। टुडे सैटरडे दिसंबर 12, 2020। तो चलिए A-double-S-E-R-T A-double-S-E-R-T verb to state clearly or formally that something is true, किसी भी बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से और दृढ़ता पूर्वक उल्लेख करना कि वो सच है, पुष्टि करना, जोर देकर कहना। E double B A verb formal to become gradual weaker or less, धीरे धीरे करके कमजोर होना या कम होना, कमजोर पड़ना एक मीन्स दे। थर्ड वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग E-N-D-O-W in doubt we are transitive verb ठगी वो लार्ज सम ऑफ मनी, किसी को बहुत बड़ी मुद्रा की राशि प्रदान करना, जैसे सहायता मोटी रकम देना। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। F-A-T-A-O फाइटल एडजेक्टिव कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई ऐसा चीज हो जो आप करते हैं तो वो कारण बनता है या खत्म होता है मौत के साथ। यूजुअली लव इज डेडली और फाइटर घातक, बट इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इल हैबिट्स बैड हैबिट्स इलीगल एक्टिविटीज आर की फैक्टर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दे कैन बी फाइटर फाइटर I-M-P-U-L-S-E impulse I-M-P-U-L-S-E impulse now a sudden strong wish need to do something, एक अचानक से होने वाली प्रबल इच्छा या जरूरत को जो आप करना चाहते हैं उसे कहते हैं आवेश
आवेश, अचानक से यह आवेश उत्पन्न हो जाता है, घूम एक अचानक से सवार हो जाती है, नहीं करना। INTELLECT, intellect, intellect. Now come devil. A very intelligent person. एक बेहद ही तेज व्यक्ति, एक बेहद ही तेज व्यक्ति तुरंत कैच करता है, वो ऐसे बुद्धि संपन्न व्यक्ति, बुद्धि संपन्न व्यक्ति। ऐसे कई लोग होते हैं समाज में जो बुद्धि संपन्न होते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हम लोग। MEDIEVAL, 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 adjective, connected with the middle ages, यानी मध्य युग से संबंधित, हिंदी मध्यकालीन। REPLANISH, replenish, replenish, transitive verb, to make something full again, to make something full again, किसी चीज को दोबारा भरना, हिंदी पुनर्पूर्ति करना। थोड़ा सा आगे चलते हम लोग। REPROVE, reprove, reprove verb, to tell somebody about this approval or hate. किसी व्यक्ति ने कोई प्रपोजल लिखा, कोई काम किया है, आप उसको गलत करार देते हैं और उसको अनुमोदित नहीं करते हैं या प्रमाणित नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गया, धिक्कारना। आप उसको बतलाते हैं तुमसे गलती हुई, ये बहुत ही घटिया प्रपोजल है, रिप्रूव करते हैं। थोड़ा सा मतलब आगे चलते हैं, धिक्कारने से। स्पेल बाउंड, SPELLBOUND, spell bound, adjective, with our hands and completely held, कोई ऐसा चीज जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह से लग गया हो, देखने में कोई तमाशा देखते, कोई फिल्म देखते, जैसे एक शत्रुघ्न सिन्हा और नीतू सिंह की कल रात में फिल्म देख रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो पूरी तरह से स्पेल बाउंड मूव थी। अब मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्ध, इसको कहे तो मंत्र मुग्ध। टुडे थॉट, अब चलते टुडे थॉट की ओर। टुडे थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। याद रखिए कि अगर आपको बाहर से देखिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं भी किस कुछ भी देखते पढ़ते हैं, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन तब तक आपको, आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती जब तक आप उसको कैरेक्टराइज नहीं कर देते हैं, ठीक है। मोटिवेशन तो चिंदी चोर वाली स्थिति में ले जाकर के छोड़ देती है, लेकिन आप अगर इंस्पिरेशन बना लेते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसको आप अगर प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते हैं, तो वो परमानेंटली होती है। अंदर से जो चीज जगती है उसे कहते हैं इंस्पिरेशन, वो ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप किसी के बातों को सुनकर मोटिवेट होते हैं। वो हो सकता है अपने फायदे के लिए डिस्ट्रैक्ट करना, ये भी तो हो सकता है, लेकिन अंदर से जो आपका अपना विजडम बोलेगा उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो सकती। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टुडे थॉट में योगा करने वो गोज इन वैन एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट टू सक्सेस। You have to be ready to go with ups and downs in your life to gain experience. Your gains or experience will make you eligible to save your career. Have to live in your energy and find everything as Miranda. देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यो देवो देवो रोलिंग वैन, आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आई प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट टू सक्सेस, और अब निरंतर अभ्यास जो आप करते हैं, अभ्यास आपको परिपूर्ण बनाता है सफलता पाने के लिए, अभ्यास आपको सफलता पाने के लिए परिपूर्ण बनाता है, यानी इतना एलिजिबल अभ्यास करके कोई आदमी
परफेक्ट होता है किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में, इस लेवल तक कि उसे दुनिया एक्सेप्ट करे। वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी फर्दर चॉइस एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट यू। तो दुनिया आपको स्वीकार करे इसके लिए परिपूर्ण बनाता है निरंतर अभ्यास। यू हैव टू बी रेडी टू को विद अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ टू गेन एक्सपीरियंस। और आपको हमेशा तैयार रहना होगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको जीवन में अप्स और डाउन्स देखने को मिलते हैं। उत्थान भी होता है और पतन भी होता है। उत्थान पतन जो हो रहे हैं, उतार चढ़ाव जो जिंदगी में आ रहे हैं, उससे आपको अनुभव की प्राप्ति हो रही है। योर गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस विल मेक यू एलिजिबल टू शेप योर कैरियर। और जो भी आपको अनुभव मिल रहा है उसी अनुभव के आधार पे आपके मस्तिष्क से जो दुविधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो सारे छटते चले जाते हैं। दुविधा शंका के बादल छट जाते हैं और आप अपने कैरियर को एक पार्टिकुलर दिशा में आकार देने लगते हैं कि नहीं, हमें यही बनना है और इस तरह का बनना है, इस लेवल तक जाना है। Hence, live in your energy and forget everything. तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में अतः आपको जो मेन चीज है, क्योंकि वहां तक बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वहां से असली लड़ाई, एक लड़ाई और लड़नी है। वो लड़ाई किसकी है? तो बिलीव इन योर एनर्जी, आपको अपने एनर्जी पर बिलीव करना हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर एनर्जी शो नहीं कर पाते एंड फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भुला दीजिए। देखिए कैसे चिंदी चोर लोग हट जाते हैं किसी के बाबूजी की या दादाजी का ज्ञान लेकर के। कोई फायदा तो है नहीं, परमात्मा के द्वारा दिया गया साक्षात ज्ञान है, बहुत सारे पवित्र ग्रंथ है, उनके सिद्धांतों पे चलकर ही आप इस स्तर तक पहुंचे हैं। तो अपने एनर्जी पे विश्वास कीजिए और बाकी सारे बातों को दरकिनार कीजिए। चलिए अब वर्ड बिलिंग को आगे बढ़ाते हैं। SPATUS status noun countable uncountable the social or professional position। किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक या पेशेगत रूप में पर स्थान या जगह होती है, पहचान होती है, उसी को कहते हैं रुतवा। रुतवा तो रुतवा अगला देता है आपको, अगला जिस निगाह से आपको देखता है, वह जैसा आपका चरित्र होता है अगले की नजर में, चूंकि चरित्र तो अगले की नजर में होता है, तो उसके अनुसार अगला जो मान सम्मान देता है उसे कहते हैं रुतवा। SUBTLE शाटल, शाटल एग्जैक्ट, नॉट वेरी ऑब्वियस, नॉट एसिबल, जो आसानी से स्पष्ट न हो और आसानी से ध्यान में न आए उसे कहते हैं सूक्ष्म। नॉलेज इज ऑलवेज सटल, ट्रूथ इज ऑलवेज सटल, विजडम इज ऑलवेज सटल। TEEM टीम, वी वॉल ऑफ रेन, बरसात से संबंधित है ये। फॉल हैवले, जोर से होना, भरमार होना, किसी भी चीज जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती, पाट 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 नीचे नीचे, जब बहुत ज्यादा भरमार होने लगती है बारिश की, तो बहुत तेजी में गिरने लगता है, तो उसे कहते हैं जोर से होना। टीम CAST कास्ट, कास्ट नाउ ऑल पीपल हु एक्ट, जो किसी मूवी या प्ले कुछ किसी भी चीज में वो सारे लोग जो कर्म करते हैं उनको कहते हैं नाटक के पात्र, यानी कास्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, CASTE ये भी कास्ट, एकदम प्रोनंसिएशन सेम है, प्रोनंसिएशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। नाउन काउंटेबल एनी ऑफ द फोर मेन डिविजन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के जो चार मुख्य विभाजन हुए हैं, उन चार मुख्य वर्गों में से कोई भी एक वर्ग।
जिसे हम वर्ग या जाति या जात भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलते REFERENCE reference, reference noun, the act of mentioning somebody something, किसी भी चीज को या किसी भी बात को या किसी व्यक्ति को जब हम जिक्र करते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए उसे कहते हैं संदर्भ या हवाला। जैसे कोई पहुंच वाला व्यक्ति होता है पावरफुल, तो उसके नाम का सहारा लेकर अपना काम करवाते हैं, तो आप रेफरेंस दे रहे हैं यानी संदर्भ दे रहे या हवाला दे रहे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, REFERENCE reference noun countable formal, a feeling of great admiration for someone or something, किसी व्यक्ति या किसी पर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अंदर से प्रशंसनीय विचार होना या आदर का भाव होना, जिसे कहते हैं पूज्य भाव, रेवरेंस। महात्मा गांधी के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए आप ले कर सकते हैं हम लोगों के पास, या अपने पेरेंट्स या टीचर के लिए होने चाहिए, या जो पायस हम लोगों के एपेक्स है उनके लिए होने चाहिए रेवरेंस। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा। याद रखिए हमेशा की जिंदगी में अगर कभी भी कामयाब होना है तो उस काम के अलावा कुछ मत सोचिए, कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो उस काम के अलावा कुछ मत सोचिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो काम आपसे उतनी ही दूर है जितनी आपका डिस्ट्रैक्शन आपके करीब है। तो डिस्ट्रैक्शन दूर भगाइएगा तो काम आपके करीब आ जाएगा, और आलतू फालतू लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट शेयर लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।